नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। चलिए आज हम आपकी 5वीं कक्षा के पाठ 3 में वर्गता, क्षेत्रफल व परिमाप के बारे में जानते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये हरे रंग में आपके सामने एक वर्ग बनाया है मैंने। क्या बनाया है बच्चों? एक ये वर्ग, यह 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसके द्वारा जो ये जगह घेरी गई है अंदर, यहाँ से चले हम 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से वापिस हम 1 सेंटीमीटर आ गए। इस प्रकार हमारे पास एक वर्ग बन गया और इस वर्ग ने यहाँ पर इतनी जगह घेरी। इस घेरी गई जगह को हम इसका क्षेत्रफल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को हम क्षेत्रफल कहेंगे। अतः इस वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। हरे रंग वाला भाग क्षेत्रफल को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, ये काली बाउंड्री, मैंने काले रंग की मैंने बाउंड्री बनाई हुई है चारों तरफ। आप सभी जानते हैं कि ये हरे खेत का एक घेर निकाला हुआ है मैंने, ताकि जंगली जानवर खेत के अंदर ना घुसें। तो मैंने बाड़ लगाई हुई है। इस बाड़ को हम परिमाप कहते हैं। घेरे की कुल लंबाई परिमाप कहते हैं हम घेरे की कुल लंबाई को। तो इस वर्ग का परिमाप कितना है बच्चों? इस वर्ग का परिमाप 1 1 1 1 यानी कि 4 सेंटीमीटर है। यहां पर देखिए बच्चों, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप हम ज्ञात करेंगे। एक ये मैंने वर्ग बनाया है, इसकी भुजा कितनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। चलिए इसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर के हम वर्ग बनाते हैं। यहाँ पे हमने बीच में इसके 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर की लंबाई, ये भी 1 सेंटीमीटर की लंबाई, ये भी 1 सेंटीमीटर की लंबाई, ये भी 1 सेंटीमीटर की लंबाई। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों में काटते हैं। क्या करते हैं बच्चों इसको? हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों में काटते हैं। इस प्रकार आपके पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे बच्चों? 1 2 3 4, 4 वर्ग आपके पास ये बन जाएंगे। तो इस आकृति का, इस वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 वर्ग बने। तो क्षेत्रफल कितना हुआ बच्चों? 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो जगह है कितनी है? 4 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका घेर कितना है? ये घेर चारों तरफ जो है, यानी कि परिमाप कहते हैं इसको। इसका परिमाप 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 बराबर है 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम आपकी किताब में जो दे रखा है, 12 वर्गों की मदद से आयतें बनाएंगे और उसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। देखो बच्चों, इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 और 6 12। यह आयत 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले 12 बराबर वर्गों से बनी है। इस आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ बच्चों? 12 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर और 12 वर्गों का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना है बच्चों? क्योंकि 1 वर्ग की लंबाई कितनी है यहाँ से? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 2 1 3 4 5 और 6, यानी कि इसकी भुजा आयत की कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर, और ये भुजा कितनी होगी बच्चों इसकी? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 6 और 2 8, और ये भी 6 और ये भी 2, 6 और 2 8, और 6 14 और 2 16 सेंटीमीटर है। अब हम 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की आयतें बनाकर उनका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करेंगे। ये देखिए, 12 वर्गों से आप इस प्रकार की आयतें बना सकते हैं। ये मैंने 12 के 12 वर्ग एक सीध में लगा दिए। यहाँ पर 6 वर्ग ऊपर और 6 वर्ग नीचे लगाए। यहाँ पर 3 3 वर्गों की 4 लाइन बना दी। इसी प्रकार से आप और अन्य तरीकों से भी आयतें बना सकते हैं। चलिए हम आयत ए का परिमाप ज्ञात करते हैं, क्योंकि आयत ए में 6 वर्गों से बनी है। तो 1 वर्ग की भुजा 1 और 6 वर्गों की भुजा कितनी है? ये 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। तो 6 और 2 8, और ये भी 8 आएगी। तो इसका परिमाप कितना हो गया बच्चों? 16 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल कितना है?
क्योंकि ये 12 वर्गों से बनी है, इसलिए क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। और ये अब आयत बी की चर्चा करते हैं। आयत बी भी 12 वर्गों से बनी है, इसलिए आयत बी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका परिमाप देखते हैं। चलो ये परिमाप कैसे करेंगे, इसकी लंबा 1 वर्ग सेंटीमीटर, ये देखो 1 वर्ग है ना, इसकी 1 सेंटीमीटर भुजा है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये 12 वर्ग लगे हैं, तो कितनी होगी बच्चों ये लंबाई 12 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, 12 और 1 13, और ये 12 25, और 1 ये 26, तो इसका परिमाप कितना है बच्चों 26 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम आयत सी का भी क्षेत्रफल व परिमाप निकाल सकते हैं। चलिए आपकी किताब के, आपकी गणित का जादू पुस्तक पर चलते हैं, और उसमें आपकी पुस्तक में पेज नंबर 35 पर जो दिया हुआ है हमारा डाक टिकटें, उन डाक टिकटों को मापते हैं बच्चों। डाक टिकट ए बी सी डी, ये 6 डाक टिकटें बनाई गई हैं। इसमें सारी डाक टिकटें 1 वर्ग सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों से बनी हैं, तो 1 सेंटीमीटर वर्ग है बनाया है। अब डाक टिकट ए का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्गों को ढकता है। कितने वर्गों को ढकता है बच्चों 18 वर्गों को, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना है 18 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बी 8 वर्गों को ढकता है, ये बी कितने वर्गों को ढकता है 8 वर्गों को, तो बी का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 8 वर्ग सेंटीमीटर। ई का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप सभी टिकटों का क्षेत्रफल ज्ञात करके अपनी गणित का जादू पुस्तक कक्षा 5 पेज 35 पर दी गई तालिका को आप पूरा कर सकते हैं। चलिए नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल हम वर्ग सेंटीमीटरों में ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों एक चित्र बनाया है मैंने, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखो एक एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल आपने निकालना है। ये त्रिभुज 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले 2 वर्गों से मिलकर बनी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बच्चों 2 वर्ग सेंटीमीटर। कितना बच्चों 2 वर्ग सेंटीमीटर। और ये आयत इसके बीचों बीच बनाई गई है, आधा इधर आधा इधर, यानी कि आयत, ये त्रिभुज इस आयत को 2 बराबर हिस्सों में बांट दी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है कितना आएगा, आयत के क्षेत्रफल का आधा आएगा, आयत का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। चलिए नीले रंग वाली इस आकृति को देखते हैं। इस नीले रंग वाली आकृति ये 4 गुना 2 यानी कि आयत से बनी है, इसमें 4 और 2 8, 8 वर्ग है बच्चों। ये नीले रंग की डिजाइन वाली आकृति का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है, क्यों, क्योंकि यहाँ कोना यहाँ लगेगा, ये वाला जो कोना है ये यहाँ लगेगा और ये वाला कोना यहाँ लगेगा, इस प्रकार से ये हमारी आधी आकृति पूरी हो जाएगी। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इस चित्र में त्रिभुज ए का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए का क्षेत्रफल देखिए बच्चों, त्रिभुज ए जो है ना वो 3 वर्ग और ये 4 वर्ग यानी कि 12 वर्ग, इनका आधे भाग में बनी है, तो आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल 3 गुणा 4 12 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों 12 का आधा 6 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों 6 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार से हम वर्ग बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग बी का क्षेत्रफल देखिए कितना आएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे आएगा, क्योंकि कोने का ये चौथाई पार्ट है ना बच्चों, एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई, 4 कोनों का मिलकर 1 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका ये आधा है ये आधा है, इन दोनों का 1 वर्ग सेंटीमीटर, इन दोनों आधों को मिलाकर 1 वर्ग सेंटीमीटर, इन दोनों आधों को मिलाकर 1 वर्ग सेंटीमीटर, इस और इस आधे को मिलाकर 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर, और कोने वाला 1 5 वर्ग सेंटीमीटर, और बीच में 4, तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। इसी प्रकार से आप आकृति सी डी ई और एफ का क्षेत्रफल आप ज्ञात करें और अपनी कॉपी पर सवाल करें। धन्यवाद बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। काट भी